वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिक्रिया। तो कैसे हो आप सब? होप सो मस्त होंगे, अच्छे हो। तो कम बैक हुआ है, किसका हुआ है जानना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि क्या है कैसा है, तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी देखने की। तो एमसी स्टैन का न्यू सॉन्ग आया 911 पोर्शे बोल के, कार का नाम है, सुना है? अभी एक इंसिडेंट हुआ था भाई साहब, वो लगेज वीडियो भी आ गया। तो भाई क्या है ये, मतलब एमसी स्टैन ने इतने जल्दी वीडियो भी बना लिया इस पर। मतलब अभी इंसिडेंट आप सबको पता ही है कि पुणे में एक इंसिडेंट हुआ है ये कार को लेके। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है बोल के। तो लाइक शेयर एंड वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि एमसी स्टैन का गाना है भाई, किसको वेट नहीं हो रहा। एमसी स्टैन के फैन से समझ सकते हैं कि एमसी स्टैन का सॉन्ग कितना मतलब ऐसा मोस्ट अवेटेड होता है, क्योंकि वो मतलब उनका जो एसेंट है ना बोलने का, एकदम ऐसा अपनी वाली फीलिंग देता है ना, तो बाकी लोगों का एकदम अलग होता है। तो चलो देख लेते हैं। दिस सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड ओवर 6 मिनट। क्या बोलती कंपनी, नवीन गाड़ी वीडियो आवड़े ते खुद को मालूम, पहले घूमने का रिश्ता में अभी मैं घूमता पोर्शे में 911 पोर्शे। अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करी क्या कोई कॉल पे 911 पोर्शे। 911 पोर्शे मैं पुल अप करूं खोल के, 911 पोर्शे ये फौजदार रे नॉनसेंस। 911 पोर्शे में पुल अप करूं खोल के, मेरे बाजू में एक दोस्त थे, टू सीटर मार रहे थे, सीलिंग पे खौफ थे, देता उसको मोटिवेशन, आना बोला बॉम्बे, तुम गलत करने फोड़ रहे, तुम गलत गलत सोच रहे। मैं बोलता नहीं सोच के, मैं बोलता माम दिल से, बोलता माम दिल से, इसलिए बोलता नहीं सोच के, मेरी बात ही होती सच, इसलिए बोलता हूं मैं सोच के, पुल अप करा अंधेरी फिर गया उसको छोड़ने, एक खंबा करके डाउन मैं पुश करूं स्टार्ट, इंडिया में रहते तो पूछो मत खास, बैंडर में बांग बूम बस की है वो कार, नाम मेरा याद रख मैं हूं गुनेगार, जाओ जाके मेरा नाम पूछ, कीजी मेरा नाम, तू पूछ रहा था मेरे को क्या करता काम, दोस्त लोग ने दिखा था लैंडिंग में गान, वो किससे के बाद नहीं मिलते वो काश, अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करी क्या कोई कॉल पे 911 पोर्शे 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 911 पोर्शे मैं पुल अप करूं खोल के 911 पोर्शे 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 ये फौजदार रे नॉनसेंस। 40 लाख के रिश्ते मेरी पैसा दिखता ऐसा, मैंने बोला भोंडे अपने उखमाने का पैसा, रियल निगर संदरे और फेक फेक बजरा चोर पब्लिक गैंगस्टर, इस लोग दोनों को मैं रखता, देखो गरीब लोग जब ऊपर जाते अच्छा नहीं लगता, आज भी वड़ा बाबू गाड़ी पे नाम मेरा चलता, माम को लोग प्यार करते हेट कौन करता, ये सवाल मेरे दिल में कभी आज नहीं सकता। मैं 911 पोर्शे में लिया तेरे को कोपरे में, तू गाना फिर फुसड़े में उतर देना बाकी, टूरिस्ट लेके आ फास्ट में ये बादशाह फिर भी मट्टी में, तू बजरा गाई तू चाची में, देखो फाइट देगा छाती में, हम फैन बन गए भाभी के तेरे बोल दिख रहे, मादी के मेरे को डर लगता शादी से, मेरे को फंसाने की साजिश, मैं ले रहा नंबर शॉट इस तेरे बातों में नहीं लॉजिक, तेरे लैपटॉप में नहीं लॉजिक, रुके ले पीछे होटल लॉबी में। अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करी क्या कोई कॉल पे 911 पोर्शे 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 911 पोर्शे मैं पुल अप करूं खोल के 911 पोर्शे 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 ये फौजदार रे नॉनसेंस। इजीली समझ में आ जाती है, और वो जो बोलते हैं ना लाइक उनकी जो
मतलब वो जहाँ से ग्रो अप हुए हैं, लाइक पहले वो कैसे थे, मतलब स्लम्स एरिया में से बड़े हुए हैं, तो वही वो हर सॉन्ग में बताते हैं. मतलब आज कल वो कहाँ थे और आज वो कहाँ है, मतलब हर सॉन्ग में ऐसा स्टोरी उनकी वो थोड़ी बहुत तो लिरिक्स में बताते ही है. और द बेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा कि लास्ट वाला जो पार्ट था वो विंटेज वाला, ब्लैक एंड वाइट, इट वॉज लुकिंग वेरी सेक्सी, क्योंकि मुझे विंटेज वाले काफ़ी, मतलब वो सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. और जो लिरिक्स थे द बेस्ट, मतलब लिरिक्स के बारे में कुछ बोलूँ या ना बोलूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने भी सुना, मेरे को स्पेशली बोलने की ज़रूरत नहीं लग रही है ये लिरिक्स के बारे में तो भी, क्योंकि आपने भी ये लिरिक्स सुना है कि कितने बेस्ट है. और एम सी स्टैन तो भाई हैट्स ऑफ टू यू एम सी स्टैन, क्योंकि जब से बिग बॉस हुआ है, जब से पूरे सब एम सी स्टैन को इतना हाइप कर रहे हैं, क्योंकि है भी वो ये सॉन्ग आने के पहले भी काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था. बट आपने देखा स्टार्टिंग में वो लिखा था कि ये गाना नहीं अभी नहीं बना है, मुझे लगा इंसिडेंट के बाद ही इन्होंने ये सॉन्ग शूट किया है एंड लाइव भी कर दिया है यूट्यूब पर, बट नहीं ऐसा नहीं था. ये सब ये 6 मंथ्स पहले ही उन्होंने ये शूट करके रख दिया था, उनको कुछ भी आइडिया नहीं थी कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, बट स्टिल इट वॉज द बेस्ट. मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सुन के भी, क्योंकि ऐसा नहीं है एम सी स्टैन है उसमें, बट उनके जो लिरिक्स होते हैं ना वो ऐसा इंसान को सोचने को लगाते हैं कि हाँ भाई ये मतलब कितने नीचे से, मतलब गरीबी से ऊपर आए हैं, बट अभी जो उनका जो पोस्ट है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ऐसे ही ग्रो करते रहो. एम सी स्टैन काफ़ी ज़्यादा कर ही रहे हैं, और ये सिर्फ अपने जो क्लोज एम सी स्टैन के फैंस है वही जान सकते हैं कि एम सी स्टैन के लिए अपन क्या फील कर सकते हैं. तो गाइस अभी के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा एम सी स्टैन के फैंस हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो आप अगर न्यू हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब